हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। 48 सीटें जीतकर पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता बचाने में कामयाब रही है। कांग्रेस को केवल 37 सीटें मिली है। बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उमंग है। जीत के जश्न लगातार मनाए जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने कमाल कर दिया है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की यह जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था, हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए, 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली। लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। जहां दूध दही का